हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम सेलोशिया प्लांट के बारे में। इसको कॉक्सकॉम भी बोला जाता है। कॉक्सकॉम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जैसे मुर्गे की कलगी जो होती है, उसके जो मुर्गे का क्राउन होता है उसके जैसा लगता है ये। इसका जो फूल आता है बहुत ही प्यारा फूल होता है, बहुत मतलब उसके जो कलर्स वगैरह होते हैं बहुत ही सुंदर कलर होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं। सर्दियों में जैसे हमें ब्राइट कलर पसंद होते हैं, तो उसी के जैसे डार्क पिंक है तो बहुत डार्क पिंक है, येलो है तो एकदम येलो है, गोल्डन येलो कलर है, तो बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। और बड़ा फूल होता है, एक बार फूल निकलने के बाद कम से भी कम 1-1.5 महीने तक वो फूल रहता है। तो इसमें देखभाल की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मेरे उसमें पॉट्स में फूल खिला है, उसमें सेलोशिया प्लांट में, तो उसी का दिखाने का मेरा मन था कि मैं आपसे शेयर करूं उसको। वैसे सीडलिंग का अब टाइम आया है, सीडलिंग करके मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। इसको सीडलिंग करना भी बहुत इजी होता है, एक बार ग्रो कर दो अपने गार्डन में तो बार बार ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। अब जैसे टाइम से पहले मेरे पास हो गए हैं, सीडलिंग का टाइम अब आया है। सर्दियों का प्लांट है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो अब जो टाइम आया है अक्टूबर में वो है टाइम। तो लेकिन पहले से ही बीज पड़े हुए थे तो मेरे हो गए, और उसमें एक छोटा सा फूल भी आया है, तो उसी को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आपको मैं अपने सेलोशिया के प्लांट्स दिखाती हूँ कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सेलोशिया का ये फूल खिला हुआ है, इसको कॉक्सकॉम बोला जाता है। कॉक्सकॉम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो ये अभी बहुत छोटा सा है, ये देखिए अभी सीज़न नहीं आया इसका फूल का, लेकिन ये आ गया अपने आप प्लांट, तो इसमें फूल भी आया, छोटा फूल आया। अभी विदाउट सीज़न है तो छोटा फूल ही आएगा। ये फूल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे एक मुर्गे की कलगी होती है ना, उस टाइप से ये बन जाता है। तो बहुत बड़ा फूल होता है, बहुत ही शाइनी वाला होता है, लेकिन ये अभी बहुत छोटा सा है तो ज़्यादा इसका लुक अभी आ नहीं रहा है। तो इसका जो इसका फूल होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। इसकी लीव्स देखिए आप, लीव्स में भी बहुत डिज़ाइनिंग, जैसे डबल शेड है बीच में, फिर ये जैसे क्रोटन में कुछ डिज़ाइन होते हैं उसी टाइप से इसमें भी डिज़ाइंस हैं। तो पौधा भी बहुत प्यारा लगता है, देखिए काफ़ी अच्छा है, लगभग 3 फीट का है तो बड़ा भी हो जाता है। अभी तो ये बहुत बड़ा होगा, मोटा हो जाएगा, ये जो स्टेम होती है इसकी ये बहुत मोटी हो जाएगी। तो अभी फूल नहीं आया, इसमें आने वाले हैं फूल। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा दिख जाएगा, तो ये देखिए थोड़ा रेड रेड पिंक पिंक कुछ दिखाई देने लगा है, तो ये फूल अभी आने वाला है, इसमें फूल इसमें आने वाला है। तो जब फूल इसमें पूरा आ जाएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा और गज़ब का फूल होता है इसमें। ये देखिए आपको दिख जाएगा, तो वो ये देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये है इसका फूल जो आएगा वो बहुत बड़ा फूल आ जाता है। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है, और सीडलिंग का टाइम आया है तो आज मैं सीडलिंग भी इसकी करूँगी। तो काफ़ी सारे मुझे प्लांट्स चाहिए इसके, क्योंकि इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर के जो सीड्स मैंने बना लिए थे इसमें से वो रखे हुए हैं, तो उनमें से तो बहुत सारे सीड्स मेरे पास हैं कि अगर मैं एक पूरा जंगल बनाना चाहूँ इसका तो वो भी बन जाएगा। इतने सारे सीड्स, एक ही फूल में से हज़ारों बीज निकल जाते हैं। तो उनसे आप एक बार ही आप लेंगे किसी से कि कहीं पे हो रहे हो तो आप एक फूल ले आइए उसमें से, तो उसी में से ही आपको हज़ारों बीज मिल जाएंगे, आपको कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मेरे तो ये पॉट्स में लगे हैं तो भी खुद हो जाते हैं, मेरे को उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए एक ये है, एक ये है, एक पीछे है, और भी हैं कई सारे प्लांट्स जो मेरे हो रहे हैं और मुझे उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मेरे पास सीड्स रखे हुए हैं तो मैं लगा ही लेती हूँ, हमेशा ही लगा लेती हूँ। तो जो फूल उसके आते हैं वो एक ही फूल खिला हुआ लगभग 2-3 महीने तक चल जाता है इसका। इसकी जो फूल की जो खूबसूरती है वो भी बहुत ज़्यादा है, एकदम वेलवेटी लुक होता है, शाइनी होता है, खूबसूरत भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा सा नहीं होता है कि बड़ा भी फूल होता है इसका, और गार्डन में एक लुक देता है, अपनी जगह बनाता है। तो बहुत ही प्यारा फूल है, इसको लगाइए अपने गार्डन में, ईजी है, बहुत ईजी है। इसको नॉर्मल इसकी जो सॉइल होती है उसमें आप लगा लीजिए, जैसे सॉइल में थोड़ा सा ड्रेनेज, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो देखिए इसको कुछ भी केयर की ज़रूरत नहीं है, बस पानी दीजिए, किसी खाद की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी गमले में या पॉट में आप लगा रहे हैं तो देखिए फिर तो आपको उसको
उसकी जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग है वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। इसको खाद भी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट वगैरह है वो देनी पड़ेगी, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें रिवर सैंड मिला दीजिए, रेती जिसे बोलते हैं, रेत जो जमुना की रेत होती है वो आप इसमें मिला दीजिए, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो पॉट में किसी भी पॉट कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो उसका ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद खाद तो आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी डाल ही दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको ऐसे ही आप लगाइए, खूबसूरत प्लांट है, कोई फूल भी नहीं है तब भी देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसमें कलरफुल इसमें शेड दी हुई है, तो अपने आप में बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बाय।